हेलो गाइस, तो आज मैं बिल्कुल यूनिक स्टाइल से बनाती हूँ मेयोनी पास्ता। मेरा स्टाइल है, चलो देखते हैं इसकी फुल रेसिपी। खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और बहुत सिंपल है, झट से बन जाता है। कोई गेस्ट आए या फिर आपके पास कुछ ना हो तो ये बना के खा सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले गैस ऑन कर दी है, उसमें रख दिया है पानी और पानी को अच्छे से खौलने देंगे, खौलना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने ये डिज़ाइन का पास्ता ले लिया है और खौलते हुए पानी में इसको डाल देंगे। मैंने आधा पैकेट ले लिया है, यानी कि मैंने 250 ग्राम्स करीब ये मैंने पास्ता इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से एक बार हिला देंगे, नहीं तो वो चिपक जाता है नीचे। ठीक है, अब ये मोटे साइज़ के हैं ना, तो जल्दी नहीं पकते हैं, इनको पकने में बहुत टाइम लगता है। तो अब मैं इसको देखूँगी, ये देखिए कलर हल्का सा चेंज हो गया है ना, और मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसा इसको उठा के, ये देखो मुड़ने लगा है। तो ये पक चुका है, बस 2-3 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही गर्म पानी में रहन दूँगी, उसके बाद इसको छान के निकाल लूँगी ठंडे पानी में रख कर। ठीक है, ये हमारा तैयार हो चुका है। अब पास्ता बनाने के लिए गैस ऑन कर दिया है, कढ़ाई रख दी उसके अंदर। अब मैंने इसमें मूंगफली का तेल डाल दिया है, आप कोई सा भी डाल सकते हैं। तेल मैंने कम लिया है, बताती हूँ क्यों बाद में। अब इसमें लहसुन बहुत ज़्यादा डलता है, तो मैंने एक गट्ठा लहसुन काट लिया है बारीक, और प्याज भी मैंने 2 से 3 काट लिए हैं बड़े साइज़ के, बारीक बारीक। ठीक है, अब मैंने लहसुनों को थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए ऐसे हिला दिया है, इतना लाल हो जाए। उसके बाद जो बची हुई प्याज है हमारी पतली पतली, ऐसे हम उसमें डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से भूंज लेंगे, ताकि जो हमारे लहसुन है वो थोड़े रेड हो जाएं और जो हमारे प्याज हैं वो पिंक कलर के हो जाएं। ठीक है, ये देखिए कितना सही तरीके से पक चुका है। हमें इसमें प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ इतना ही रखना है। अब इसमें ज़्यादा कुछ मसाला नहीं जाएगा, सिर्फ मैं इसमें डालने वाली हूँ ये कुटी हुई मिर्ची, या फिर आप इसको चिली फ्लेक्स बोलते हैं, तो ये आप डाल दीजिए अपने हिसाब से। मैंने इसमें 1-1.5 चम्मच करीब चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। ठीक है, आप जितना चटपटा खाना चाहे उतना डाल के इसको भून दीजिए। गैस तेज में है तो देखिएगा, आप उसको हिलाते रहिएगा, नहीं तो आपकी प्याज जो है वो जल सकती है और मिर्ची भी जल सकती है। अब इसमें जाने वाला है मेयोनीज, क्योंकि हम मेयोनीज पास्ता बना रहे हैं, तो मेयोनीज मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और देखते रहूँगी कि मुझे ग्रेवी कितनी चाहिए उसमें, उसके हिसाब से हम मेयोनीज डालेंगे। और मैंने तेल स्टार्टिंग में कम इसलिए डाला था क्योंकि मेयोनी जो होता है वो ऑलरेडी तेल, दूध और विनेगर से बनता है, जिसमें तेल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमने अपने स्टार्टिंग में तेल कम डाला था। जैसे हम इसको पकाते जाएंगे वैसे ही ये मसाला अपना तेल छोड़ता जाएगा। ठीक है, तो आप तेल स्टार्टिंग में कम रखिएगा। अब मैं इसको देख रही हूँ कितना मुझे ग्रेवी चाहिए है, मुझे जितना ग्रेवी की ज़रूरत रहेगी उतनी मेयोनीज मैं इसमें डाल दूँगी। अब ये देखिए इतना मैंने इसमें डाल दिया है मेयोनीज, अब जाएगा इसमें मैगी मसाला, और ये मैंने 2 पैकेट ले लिया है, इसको डाल दिया है मैंने। और मैं इसको इतना ज़्यादा ग्रेवी इसलिए बना रही हूँ ताकि जो हमारे पास्ता बनेंगे उसमें हर एक पास्ता में इस मसाले का स्वाद आ जाए, इसलिए मैंने इसमें ये डाला है। ठीक है, इतना लिया है मेयोनीज। अब जो हमारी मेयोनीज रहती है उसमें भी नमक रहता है, और जो हमारा ये मैगी मसाला है उसमें भी नमक रहता है, इसलिए मैंने उसमें अभी नहीं डाला है। मैं आपको बताती हूँ कब डालना है। ठीक है, मैंने गैस को स्लो कर दिया था, और ये देखिए मसाला अच्छे से हमारा भुंज के तैयार हो चुका है। मैक्रोनी भी हमने इसमें डाल दी है, देखिए कितनी निथरी हुई बनी है, यानी पूरे उसके दाने हैं अलग अलग हैं। अब पूरे हल्के हाथों से पूरे मैक्रोनी को, या आप पास्ता बोल दीजिए, ठीक है, उसको मैंने उसको अच्छे से मिला दिया है, पूरे मसाले में अच्छे से लटपटा दिया है। ऐसे आप उसको थोड़े 2-3 मिनट के लिए अच्छे से मिला के भून लीजिए। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है ना। अब मैं इसको टेस्ट करूँगी, टेस्ट करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें इसमें क्या चीज़ डालना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप नमक डालिएगा। मेरे को इसमें 2 चम्मच नमक की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप अपने हिसाब से उसमें डाल सकते हैं नमक, आपको जितना नमक चाहिए। ठीक है, बस अब एक बार अच्छे से उसको मिला के 2-3 मिनट के लिए और उसको भून दीजिए। देखिए कितना सुंदर बन के निकला है। तो बस मैंने एक ये सीक्रेट मसाला डाला है, जिससे कि मेरा ये पास्ता बिल्कुल इटालियन पास्ता जैसा लगा मुझे। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है, और खाने में भी बिल्कुल यूनिक टेस्ट है, जो हम इंडिया में खाते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो मैंने ये कैसे बनाया है अगर जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। सबसे पहले मैंने ले लिया है सब्जियाँ, उसमें लिए प्याज बारीक काट के, पत्ता गोभी बारीक काट के, टमाटर बारीक काट के ले लिया है मैंने, साथ ही साथ मैंने गाजर काट के ले ली है, ये शिमला मिर्च काट के ले ली है, ये इतनी सारी लहसुन ले लिया है, ये मिर्ची को काट के ले लिया है, धनिया ले लिया है, हरी धनिया, इसको मैंने काट के थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया था ताकि सारा पानी मर जाए। अब मैंने गैस ऑन कर दी है, साथ ही साथ कढ़ाई में मैंने इसमें मूंगफली का तेल डाला है, आप कोई सा भी तेल डाल सकते हैं।
तो तेल जैसे ही हमारा खौलता गर्म हो जाए उसमें मैंने डाल दिया है गाजर और प्याज। इसको थोड़ी देर के लिए हमने भून लिया है। गैस हमारी बहुत ज़्यादा तेज है ताकि हमारी सब्जियाँ गले ना, बस क्रंची रहे। अब इसमें मैंने डाल दिया शिमला मिर्च और इसमें डाल दिया है मैंने अपने लहसुन इतने सारे क्वांटिटी में। ये मैंने मिर्ची को जो काट के रखा था 20 से फाड़ के उसका, उसको भी डाल दिया है। मिर्ची बहुत चटपटी है मेरी ये वाली, बहुत ही टेस्टी आने वाला है स्वाद। अब इसको मैं अच्छे से सॉटे कर दूंगी। देखिए कितना ड्राई है ना ये, हमें इसको इतना ही कुरकुरा रखना है, इसमें मॉइस्चर नहीं रखनी है, यानी कि इसके अंदर पानी हमें नहीं रखना है। अब मैं इसे गड्ढा बना दूंगी, इसमें मैं डाल दूंगी अपना टमाटर। इसको भी मैं अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भूंज दूंगी ताकि हमारा जितना भी इसका पानी है वो मर जाए। ये देखिए अच्छे से भून दूंगी, उसके बाद ही मैं पूरी सब्जियों में टमाटर को मिलाने वाली हूँ ताकि हमारी सब्जियाँ जल्दी से पक ना जाए। हमें इसको कच्चा ही रखना है, इसलिए इसको मैंने ऐसे किया था। तो अब हमारी सारी सब्जियाँ जो हैं वो भून चुकी हैं अच्छे से बिल्कुल। अब मैं इसमें डाल दूँगी पत्ता गोभी, ये पानी छोड़ता है इसलिए मैंने सबसे आखिरी में इसको डाला था, और इसको भी अच्छे से हमने तड़कने दिया है। ये देखिए सारी भाजियाँ बिल्कुल अलग अलग है, हमें इसको ऐसे ही रखना चाहिए, ठीक है। जब हम इसको खाएंगे तो क्रंच आता है, इसलिए हमने इसको अलग अलग धीरे धीरे करके भूंजा है। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, इसको स्किप मत करना, बहुत अच्छा स्वाद आता है इससे, बहुत ही यूनिक आता है, कलर भी आता है। तो मैं इसको भी अच्छे से भून लूंगी। आप धुआं देख के समझ सकते हैं कि मेरी कढ़ाई अभी कितनी ज़्यादा गर्म है, ठीक है। अब मैं इसमें डाल दूंगी उबले हुए अपने जो है ये पास्ता, कुछ नहीं किया है, खोलते पानी में मैंने पास्ता डाल दिया है, नमक डाल दिया था, और उसको खोल जाए तो उसको पानी निकाल के आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था, ठीक है। तभी हमारे पास्ता बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। अब सारे पास्ते को अब इसमें डाल देंगे, धनिया डाल देंगे जो हमने हरी काट के रखी थी। इसमें जाने वाला है स्वाद के अनुसार नमक, तो आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा कम ज़्यादा। और अब इसमें जाने वाला है मेन इंग्रेडिएंट, ये है पास्ता सीजनिंग। आप कोई सा भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने ये ले लिया है। इससे ही ना बहुत यूनिक टेस्ट आता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इसको लेकर आइएगा और फिर डाल के देखिएगा, बहुत ही अलग सा स्वाद आता है खाने में। इसमें जितने भी आपने पास्ता खाए होंगे ना उससे बहुत ही अलग टेस्ट रहता है। तो मैं इसको अब अच्छे से मिला दूंगी। देखिए हमारे सारा पास्ता कितने अलग अलग दाने का है ना, इसको मिलाते वक्त मैंने गैस को मीडियम टू स्लो फ्लेम में कर दिया था ताकि हमारी जो पास्ता है वो जल ना जाए। जैसे ही पूरा मसाला मिल जाएगा तब मैं गैस को बहुत तेज कर दूंगी और अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए गर्म होने दूंगी। ये देखिए सारे दाने अच्छे से पक चुके हैं, मिल चुके हैं, और जो हमारी सब्जियां हैं ना वो बिल्कुल खड़ी खड़ी हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप इसको धो के जब काट के रखेंगे सब्जियों को तो इसको आधे घंटे के लिए बाहर रहने देना ताकि जितना भी उसका पानी है, मॉइस्चर है खुद का, वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम इसको पकाना चालू करेंगे, ठीक है। ये एक ट्रिक तो है वो जो मैंने आपको बता दी है, इससे हमारी सब्जियां पूरी खड़ी रहेंगी। आज मैं बनाने वाली हूँ नूडल्स, बट देसी स्टाइल में। क्या क्या चाहिए रहता है, मैंने गैस ऑन कर दी है, मतलब कि इंडक्शन, उसमें पानी डाल दिया है, पानी को अच्छे से खोला दिया है। और ये नूडल है ना ये मुझे 20 रुपये का मिला था, 5-6 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, पर इतने सस्ते में इतना अच्छा नूडल मिल गया। तो देखो मैंने क्या किया, उसको पानी में, खोलते पानी में डाल के थोड़ा ढाक ढाक के पका दे, क्योंकि ये जो नूडल होते हैं ना आजकल बहुत मोटे मोटे आते हैं। ये देखिए ये कच्चा दिखा रही हूँ मैं आपको, ताकि जब पक जाए तब भी मैं आपको दिखाऊँगी। देखिए कच्चा रहता है तो ऐसा रहता है ना। अब इसको मैं ढाक ढाक के अच्छे से पकाऊंगी ताकि जितना भी मोटा नूडल है हमारा वो अच्छे से पक जाए। उससे पहले मैं ये नमक डाल देती हूँ ताकि ना पकने में ना ये थोड़ा सा नमक का स्वाद अपने अंदर ले ले, बहुत अच्छा स्वाद आता है। ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे नूडल टूटने लगे हैं, अच्छे से पक चुके हैं ये। देखिए इतना ही पकाना है हमें। अब मैं अपने सारे नूडल्स को छान लूँगी। ये देखिए छानने के बाद हम ठंडा पानी डालेंगे इसमें ताकि ये चिपके ना, ठीक है। एक बार ठंडा पानी डाल के फिर से छान लूँगी। अब मैंने इसको इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया, आप तेल डाल दीजिए 1 चम्मच के करीब, और इसको अच्छे से फैला के ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अब हमारे देसी नूडल में बहुत सारी सब्जियाँ जाने वाली हैं, जो आपको डालना डाल सकते हैं। मैंने मिर्ची टमाटर प्याज ले लिए हैं और अपने आलू ले लिए, इनको साफ़ कर लिए। काटना कैसे है, मिर्ची को मैं बारीक बारीक काटूंगी, प्याज को मैं ऐसे 20 से काट काट के मीडियम साइज़ के ऐसे काट लूँगी। अपने आलू को भी इसी साइज़ के काटने वाली हूँ क्योंकि ये पकाने के टाइम पर जल्दी पक जाएंगे, ठीक है। ये देखिए टमाटर भी मैं अच्छे से सेम साइज़ का काट लूँगी।
ये देखिए इसको इसी एंगल में काटिएगा तो बिल्कुल जब पकते ना तो छिलके भी गल जाते हैं इसके, ठीक है। तो आप ऐसे काट लीजिए इसको। तो हमारी सब सब्जियाँ कट के तैयार हो चुकी हैं, ये देखिए क्वांटिटी देख लीजिए। आप कोई और सब्जी भी डालना चाहते तो आप डाल सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च, मटर, गाजर। चलो अब मैंने फिर से तेल ले लिया है कढ़ाई में और फिर से मैंने इसमें डाल दी हैं मूंगफलियाँ। इससे ना क्रंच आता है मुंह में, तो आपको डालना है तो आप मूंगफलियाँ डाल सकते हैं। चेक कैसे करना है कि पक गई कि नहीं, जब ये पकती है ना तो ये मुंह खोल देती है अपना, चटकने लगती हैं, ठीक है। तो हम इसको इतना ही पकाना है। अब इसको मैं निकाल के साइड में रख दूँगी। अब इसमें जाने वाले हैं हमारा ज़ीरा, राई और ये सौंफ। क्वांटिटी आप देख लीजिए, बहुत अच्छा स्वाद आता है इससे। मैं फ़र्स्ट टाइम सौंफ डाली थी, मैंने अपनी नानी से सीखा ये, उनके घर गई थी तो उन्होंने मुझे बना के खिलाया था, बहुत अच्छा लगा था। तो अब मैं वैसे ही बना रही हूँ आप लोगों के लिए। चलो देखो ये चटकने लगे ना, अब मैंने इसमें डाल दिया है मिर्ची और मिर्ची के 2-3 मिनट के बाद मैंने प्याज डाल दिया। इसको भी मैं स्लो टू मीडियम फ्लेम में पकाऊंगी आलू डाल के, ठीक है। अब नमक डाल दिया है ताकि हमारे जो आलू, प्याज, मिर्ची है वो धीमे आंच में अच्छे से पके। जितने धीमे आँच में पकाएंगे ना उतना ही स्वाद आएगा इसमें, ठीक है। अब मैं इसको ढाक ढाक के पकाऊँगी। बीच में मैंने 2-3 बार इसको चेक कर लिया है। ये देखिए हमारे प्याज अच्छे से कैरेमलाइज हो गए हैं और हमारे आलू भी पक चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर और इसको भी मैं 1-2 मिनट के लिए पका लूंगी। इसको मैं पूरा गलाऊंगी नहीं, बस हल्का सा 1-2 मिनट के लिए ढाक ढाक के पका लूंगी ताकि इसका पूरा जो पूरा फ्लेवर है कच्चा वाला वो निकल जाए। मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी डाल दूंगी अपने हिसाब से, आप डाल दीजिए ताकि अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। अच्छे से हमारा मसाला पक चुका है। अब जो हमारे ठंडे हुए नूडल्स हैं उसको मैंने अच्छे से धीरे धीरे करके मिलाया है, आधा मिलाया है, फिर मैंने ऊपर से इसको ताकि मिलाने में आसानी हो। अब मैंने इसमें डाल दिया है मैगी मसाला। ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने इसमें 2 पैकेट मैगी मसाला डाला है। तो आप लोग याद रखना कि मैगी मसाले में नमक होता है, हमने अपने नूडल उबालते वक्त उसमें भी नमक डाला हुआ था और आलू पकाते वक्त भी नमक डाला है। तो आप नमक को थोड़ा हाथ संभाल के डालिएगा, ठीक है। अब मैंने इसको 2 चम्मचों से ऐसे मिला मिला के इसको अलग कर दे रही हूँ, बहुत आसानी से अलग हो जाएगा और मसाला भी पूरा मिल जाएगा। और ये काम ना आप धीमे आँच में करिएगा, नहीं तो आपकी जो नूडल्स वो जल सकते हैं। अब मैं अपनी नूडल्स को मूंगफली डाल के एंजॉय करने वाली हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लुक आया है, बहुत ही टेस्टी देसी हमारे नूडल बनके तैयार हुए हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं बनाने वाली हूँ मैगी और बहुत ही ज़्यादा ड्राई बनती है, बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ ट्रिक्स हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने पानी को अच्छे से खुला दिया है, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब मैंने ले लिया है 2 पैकेट मैगी और मेरे घर में इतनी बारिश हो रही है और बहुत चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो चलो मैंने सोचा कि आज मैगी बनाया जाता है। तो देखो मैंने बिल्कुल अलग से पूरा खोल खोल करके अलग कर दिया इसको, नहीं तो नहीं चिपक जाती है ना तो गाढ़ी हो जाती है। अब जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको मैं निकाल के फेंक दूंगी और ये जो है उसको मैगी को हमें ठंडा करना पड़ता है। याद रखिएगा कि अगर आप ठंडा नहीं करेंगे ना तो आप कैसे भी करके पका ले आपकी मैगी बिल्कुल चिपचिप करके चिपकेगी। अब मैंने जो ले लिया है 2 प्याज, इसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है मैंने। साइज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मेरे को थोड़ा ज़्यादा प्याज पड़ना पसंद है तो मैंने 2 प्याज ले लिए हैं। अब इसको मैं बारीक काटूँगी अच्छे से। और ये जो मैगी रहती है ना इसमें ना जो स्पाइस रहता है ना बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि मुझे चटपटा पसंद है और वैसे बारिश भी हो रही थी तो मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा चटपटा खाया जाए आज कुछ। तो मैंने ले ली है मिर्ची अपने हिसाब से, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 2 टमाटर ले लिए, इसके भी ऊपर का हिस्सा निकाल दिया है, इसको भी हमें बारीक चॉप कर लेना है। टमाटर आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं, ठीक है, पर प्याज उतनी रहने देना ताकि मज़ा ज़्यादा है। चलो अब ये ले लिया है हमने इतना सामान ले लिया है। अब जाएगा इसके अंदर तेल। तेल मैंने 1 से 2 चम्मच ले लिए हैं। तेल खोल जाए तो अपने पहले मिर्ची है इसको हमें चटकाना है, अच्छे से इसको फ्राई करना है ताकि जितना भी इसमें जो वाइटनेस है वो निकल आए। कैसे दिखाती हूँ मैं, जितना आप इसको भूनेंगे ना उतनी कुरकुरी हो जाएगी। जब मैगी पक के निकलती है ना बिल्कुल ड्राई मैगी, तो ये कुरकुरी जो मिर्ची होती है वो खाने में बहुत मज़ेदार आती है, ठीक है। तो हो सके तो आप इसको थोड़ा कुरकुरा कर लीजिएगा। अब मैंने ले लिया है प्याज, डाल दिया है इसको हम मीडियम टू स्लो फ्लेम में अच्छे से भूनेंगे। तेज आंच में भूनने से ना प्याज जल्दी पक जाते हैं और जल जाते हैं, और मीडियम आंच में भूनने से ही आराम से धीरे धीरे करके कैरेमलाइज होते हैं। तो हम इसको ऐसा करना है बिल्कुल, देखिए कितने अच्छे से सुनहरा हो गया ना हमारा। अब इसके बाद इसमें जाने वाला है टमाटर, इसको भी हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। इसको ज़्यादा मैश नहीं करना है, पूरा गायब नहीं कर देना टमाटर। अगर आपको पूरा गायब वाला पसंद है तो आप गायब कर सकते हैं, पर मुझे ऐसे ही पसंद है थोड़े चंक्स मुंह में आए, इसलिए बस मैं हल्का सा इसको 2 से 3 मिनट मैश करूँगी।
ये देखिए हो चुका है। अब हमारी मैगी भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। ये देखिए हर एक दाने अलग अलग है। अब इसमें डालने का तरीका भी होता है। देखिए मैं हर एक दाने को ना उठा उठा के अलग से डाल रही हूँ, थोड़ा फैला फैला के, एक जगह पे नहीं डाल रही हूँ ताकि ये चिपके ना। ठीक है, यही कुछ तरीके होते हैं जिससे कि हमारी मैगी कुरकुरी और अच्छी बनती है। अब मैंने ले लिया है मैगी मसाला, इसको भी अच्छे से फैला के डाल देंगे ताकि एक जगह जाके ना चिपक जाए, पूरे इसमें चिपक जाए। ठीक है, अब नमक डाल दिया है बहुत थोड़ा, क्योंकि मैगी मसाले में भी नमक होता है, मैगी में भी नमक होता है, तो मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल दिया है बस। अब इसको देखिए हर एक दाना अलग है ना इसमें। अब इसको अच्छे से मैं भूंजूंगी कम से कम 2 से 3 मिनट तक मिलाकर, ताकि पूरा मसाला हमारी मैगी अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले। ये देखिए बारिश भी बहुत बढ़ती जा रही है, भूख भी बढ़ती जा रही है और मैगी का टेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। ये देखिए कितने अच्छे से बनी ना, हर एक दाने कितने अच्छे तरीके से अलग अलग हो गए हैं। ये देखिए जितना भी मसाला है अच्छे से फैलाइएगा। ये देखिए बस कम से कम 2 से 3 मिनट लगता है पकने में और सामान भूजने में, बाकी आप 5 मिनट में ही आपको मसाले वाली चटपटी टमाटरी खट्टी खट्टी जो मैगी हमारी तैयार हो जाती है। अगर आपको अच्छी लगे रेसिपी तो ज़रूर ट्राई करना, मुझे बताना कमेंट में। तो मैं ना एक ही टाइप की मैक्रोनी खा खा के पक जाती हूँ, इसलिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। उनमें से एक ये है, मैंने ले लिया है मैक्रोनी, पानी खोल चुका है। उसके बाद मुझे जितने मैक्रोनी बनाने थे मैंने ले लिए हैं, खोलते हुए ऐसे दिखते हैं। ठीक है, जैसे ही खोल जाए हमारा, मैं इस पर ना डालने वाली हूँ नमक, क्योंकि ना नमक डालना बहुत ज़रूरी है। मैंने ना बिना नमक के जब बनाते हैं ना तो अंदर तक स्वाद नहीं जाता है कभी भी हम मैक्रोनी पास्ता चाइनीज़ बनाते हैं, तो इसलिए नमक डालिएगा। नमक डालने वाली क्लिप मैंने ले नहीं पाई थी। ठीक है, तो अब देखो मैंने 2 प्याज ले लिए हैं, इसको चॉप कर लिए हैं लंबा लंबा, कुछ नहीं जाने वाला है। ये देखिए अब मेरा पास्ता यहाँ पे पक के तैयार हो रहा है धीरे धीरे। आप एक बार चेक करते रहिएगा और नीचे से हिलाते रहिएगा, नहीं तो ये चिपक सकता है। ठीक है, अब मैंने फिर से गैस ऑन कर दी है। अब हम इसमें मसाला बनाने वाले हैं अपना, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ ठटकरम नहीं किए थे मैंने, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी और कुछ ना कुछ टाइप नया पका के खाने का मन कर रहा था। तो तेल ले लिया है मैंने, ये मूँगफली का तेल है, आपका वाइटल आता है तो आप ले लीजिएगा, ज़्यादा फ्लेवर वाला कोई भी तेल मत लीजिएगा। ठीक है, हल्के फ्लेवर वाला लीजिएगा। अब मैंने इसमें डाल दिया है प्याज और इसको मैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूंज लूँगी और इसको अच्छे से कैरमलाइज होने दीजिएगा, क्योंकि मेन स्वाद तो इससे ही आने वाला है। तो ये हमारा प्याज मैं अच्छे से भूंज रही हूँ और ज़्यादा कुछ मसाला नहीं डाला था मैंने, ये भून चुका है। ये देख लीजिए आप, इतना ही आप इसको गोल्डन कर लीजिएगा। अब इसमें जाने वाले हैं क्या क्या चीज़ें वो देख लेते हैं। मैंने ले लिया था चेरी टोमेटो, यही रखा हुआ था मेरे घर में और कोई टमाटर नहीं थे। आप जितना खटास चाहते हैं आप उतने ले लीजिएगा, चेरी टोमेटो ना बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं। ठीक है, तो मैंने कम लिया है इसको। और ये देखो ये हमने इसको 2 भागों में काट लिए है और इसको मैं थोड़ा सा भूंज लूँगी, ज़्यादा नहीं भूंजना है क्योंकि इसका जो जितना भूंजेंगे ना तो इसका साइज़ ऐसे पूरा भतरा हो जाता है, मैश हो जाता है, तो हमें उसको मैश नहीं करना था, इसलिए हल्का सा मैंने इसको सहगा सहगा छोड़ दिया है। देखिए ये भुन चुका है हमारा। अब इसमें जाने वाला है हमारे उबले हुए मैक्रोनी, देखिए कितने अच्छे तरीके से फूल चुके हैं, मैंने इसको पानी से निकाल दिया था। ये देखिए अब इसको मैं एक बार मिला दूँगी, ये मैं बहुत दिन बाद कुकिंग कर रही थी ना इसलिए वीडियो की शॉर्ट्स लेना मैं क्लिक करना ही भूल जा रही थी बटन में, इसलिए आपको कुछ कुछ शॉर्ट्स नहीं दिख पाएंगे वीडियो के। कोई बात नहीं, आपको ये समझ में आ जाएगा ऊपर ऊपर से बनाना कैसे है। ठीक है, अब मैं इसमें डाल दूँगी मेयोनीज़। मेयोनीज़ आप कितनी लीजिएगा, जितना आपको पसंद हो, जितना आपको क्रीमीनेस चाहिए। ठीक है, तो मैंने ले लिया है अपना मेयोनीज़, ये प्लेन मेयोनी था वेज वाला। अब मैंने ले लिया इसमें सिजवान चटनी, ये चटनी ना खट्टी मीठी होती है, आपने टमाटर भी डाला था, इसमें नमक भी होता है, तो आप अपने हिसाब से मतलब हाथ संभाल के इसमें नमक डालिएगा। ठीक है, और आपको जैसा स्वाद चाहिए आप इस पर ले सकते हैं। अब मैंने नमक डाल दिया है, इसमें डाल दिया मैंने चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स में ना चटपटाहट बहुत कम होती है, इसलिए बस शोबाजी के लिए डालना पड़ता है उसको, तो मैंने उसको डाल दिया था इसमें, और कुछ नहीं जाने वाला है। और इसी को मैंने बना के खाया था, इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए भून दूँगी। और हाँ, ज़्यादा इसको मत भूंजिएगा, नहीं तो आप जितना भूंजेंगे अपना जो मेयोनीज़ है वो पूरा तेल छोड़ देगा, क्योंकि जो मेयोनी होती है वो तेल से ही ज़्यादा बन के निकलती है, इसलिए इसको ज़्यादा मत भूंजिएगा।
और हल्का सा ये गर्म हो जाए तो ये रेडी है खाने के लिए। इसको आप सर्व कर सकते हैं और कभी भी कुछ अलग सा खाने का मन करे तो आप इसको बना के खा सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं डलता है इसमें, ट्राई कर सकते हैं अगर आपको खट्टा हल्का सा मीठा पसंद हो, क्योंकि ना सेजवान सॉस जो होता है ना ज़्यादा खट्टा मीठा सा होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप इसमें चीज़ें आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये पास्ता मैक्रोनी आप जो बोलना चाहें वो बोल सकते हैं बनके तैयार हो चुका है। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं बनाने वाली हूँ दो तरीके से मैक्रोनी। वीडियो के एंड में बताऊँगी कि मेरी वाली कौन सी फेवरेट मैक्रोनी है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा यमी और यमी और टेस्टी टेस्टी बनी है। चलो मैंने क्या कर लिया है, दो टमाटर ले लिए हैं और उसमें डाल दिए हैं लाल मिर्ची 4-5, जितनी आपको चटपटी चाहिए उसके हिसाब से ले लेना। और इसको मैंने उबाल लिया है कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर आप देख सकते हैं ऐसा देखने लगे तब तक उबाल लीजिएगा। अब मैंने ले लिया है लहसुन और प्याज। मैंने प्याज 2 लिए थे, लहसुन ले लिए हैं, लहसुनों को अच्छे से काट लिया है, प्याज को काट लिया है। अब मैंने टमाटर और मिर्ची को बारीक बारीक पीस लिया है। अब चलो अपना मैक्रोनी बनाते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारे मैक्रोनी बनाए हैं, आप चैनल में देख सकते हैं। अब मैंने डाल दिया सरसों का तेल, तेल अच्छा गर्म हो जाए तो इसमें लहसुन डाल दिए हैं। लहसुन को मुझे लाल होने तक पकाना है, तभी इसमें से ना बहुत जो लहसुनी फ्लेवर आता है ना, बिल्कुल प्योर गार्लिक की वैसा फ्लेवर आएगा, ठीक है। हल्के से लाल हो गया लहसुन, मतलब थोड़े ज़्यादा लाल हो गए, वैसे ही करना है हमें। अभी डाल दिए मैंने प्याज और इसको भी मैं अच्छे से भूंज लूँगी। ज़्यादा लाल नहीं करना है, मतलब बिल्कुल जलाना नहीं है हमें, बस हल्का सा ऐसे पका लेना है। नमक डाल दूँगी ताकि हमारे प्याज जल्दी से और भुन जाए। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने इसको अच्छे से मिला के पूरा भूंज ले रही हूँ। अब डाल दूंगी वही अपना उबले हुए टमाटर, उबली हुई मिर्ची का पेस्ट। इसको डाल के मैं अच्छे से भूनने वाली हूँ, थोड़ा भुन जाए ये। उसके बाद जार में जो लगा हुआ है हमारा पेस्ट है इसमें टमाटर और मिर्ची का, उसको डालूंगी मैं पानी, और वो वाला पानी जो है उसको भी मैं इसमें डाल दूंगी ताकि कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी मैंने इसमें डाल दिए है। अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि ये अपना पूरा ऑयल छोड़ दे, ठीक है। तो इसको अच्छे से भूंज लेंगे। मैंने इसको ढक दिया है ताकि ये जल्दी से पक जाए और भुन जाए। देखिए अभी अच्छे से भुंज रहा है, तेल छूटने वाला है, थोड़ा सा इसको और भूंजूंगी क्योंकि मुझे इसके अंदर अभी पानी दिख रहा है, ठीक है। भूंज से पूरा पानी सूख चुका है, हमें इसको इतना ही भूंजना है। अब मैं क्या करूंगी, गैस बिल्कुल ही ज़्यादा स्लो कर दूंगी ताकि अब मैंने जो अपनी उबली हुई मैक्रोनी रखी है वो इसमें डाल दो। देखिए कितने अच्छे से उबली हुई है, मैक्रोनी बिल्कुल ठंडी है। तो मैक्रोनी कैसे उबालते हैं वो आप देख लीजिएगा मेरी पुरानी चैनल्स में, मतलब वीडियोस में, तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे कुछ नहीं किया है, पानी खोल जाए तो मैक्रोनी डाल के नमक डाल के आप उबाल सकते हैं। जब उबल जाए तो तेल लगा के उसको छोड़ देंगे, वो ठंडा हो जाएगा बिल्कुल चिल, तब हम इसको इस्तेमाल में लाएंगे। नहीं तो हमें जो मैक्रोनी होती है ना वो बिल्कुल चिपचिपी सी हो जाती है, ठीक है। और बिल्कुल सूखी मैक्रोनी रहेगी ना तो बिल्कुल अलग अलग बनेगा, ठीक है। अब मैंने इसको अच्छे से धीमे आंच में मिला के भूंज दिया है। और मुझे आप कमेंट में बताइएगा अगर आप इसको वैसे ही बनाएंगे ना, और इसका टेस्ट बताइएगा मुझे कि कैसा आ रहा है, ठीक है। ये देखिए ये फ्लेवर मेरा फेवरेट है, ठीक है। ये मैं इसको ऐसे खाना पसंद करती, कोई भी एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले हैं, सिर्फ देखा ना आपने मैंने कैसे बनाया है, ऐसे ही मैं इसको बनाती हूँ और खाती हूँ हमेशा। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको आधा कर रही हूँ क्योंकि मुझे जैसा पसंद है वो मैं से निकाल ले रही हूँ अपने लिए। और साथ ही साथ जो इसका मैगी है इसमें मैं डालूँगी मैगी मसाला, क्योंकि यही चलता है, 2 पैकेट ले लिए मैंने। बहुत से लोग ये तरीके से खाना पसंद करते हैं, मेरे घर में भी ऐसे ही पसंद करते हैं, पर मुझे ना बिल्कुल जो सिंपल सोंदा फ्लेवर आता है टमाटर और मिर्ची का भूंजने के बाद, वो वाला फ्लेवर अल्टीमेट लगता है, तो मैंने वैसा बनाया है। आप दोनों तरीके से देख लीजिए, एक बार बनाइए और दोनों तरीके से आप बना सकते हैं सेम रेसिपी से। देखो अब मेरी दोनों रेसिपी तैयार हो चुकी है, मैं इसको एंजॉय करूँगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और क्या क्या बोलते हैं वो सब। मेरे चैनल में जितनी भी आप पास्ता वास्ता की रेसिपी है वो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।